मझौलिया और सिकटा के बॉर्डर पे हैं, और ये जो नदी आप देख पा रहे हैं सिकराना नदी है, जहां पे बच्चे प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर इस नाव से जाने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां पे ना ही कोई पुल है और ना ही कोई रास्ता, एकमात्र नाव ही सहारा है जो लड़के सिकटा प्रखंड से मझौलिया प्रखंड में पढ़ाई करने जाते हैं, जान जोखिम में डालकर। अभी कल ही मुजफ्फरपुर में एक नाव हादसा हुआ है, बहुत दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कई बच्चे लापता हैं। उसके बावजूद भी सरकार को यह ध्यान देने की जरूरत है कि आज भी बच्चे नाव के रास्ते इस पार से उस पार कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे भी हैं बाबू, आप लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं इसी से, नाव से? हाँ, इसी से जाते हैं। कोई उपाय उपाय तो नहीं है, मगर हम लोग अपना जान जोखिम में डाल के जाते हैं इससे। हम लोगों को मगर ज्यादा पानी हो जाता तो हानि तो होता ही है, मगर अगर कोई गारंटी नहीं कि नाव को पलट जाए, और नाव पलट जाए इसीलिए सरकार को निवेदन है कि यहाँ पुल लगाए, पुल लगाए। बाबू आप प्रतिदिन जाती है इसी से, तो कोई रास्ता नहीं है? नहीं नहीं, बस यही रास्ता है, डेही को पार करके जाते हैं। क्या पता कभी कोई हादसा हो जाए जिससे हमारी जान चली जाए। जब बाढ़ आती है तो पूरी नदी भर जाती है, जिससे हमें जाने में बहुत डर लगती है, डर लगता है। और हमें सरकार से ये निवेदन है कि यहाँ पे एक पुल बनवा देना चाहिए। तो सरकार से निवेदन भी बच्चे कर रहे हैं। बाबू आप लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं इसी से? जी। कोई रास्ता नहीं है? नहीं। किसी से आप लोग बोले नहीं कि हाँ यहाँ पे कोई व्यवस्था करवाया जाए? हम लोग काफी मतलब सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पुल लगाया जाए, क्योंकि हम लोगों को इस नदी सिकरा नदी में हेलने में बहुत ही परेशानियां होती है। अच्छा। कभी कभी बाढ़ आ जाती है तो हम लोगों को स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है, नदी पूरा उसमें भर जाता है। अच्छा। और हम लोग की जान जोखिम होती है। बाबू आप लोग जाते हैं, आप लोग को डर लगता है ना? बहुत डर लगता है, हम लोग नदी पार करने में बहुत डरता है, और पानी आ जाता है तो हम लोग घर पे रह जाते हैं और स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिए सरकार से निवेदन है कि हम लोग एक पुल लगवा दीजिए। यानी ये बच्चे सरकार से गुहार कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक पुल बनाया जाए, निर्माण किया जाए पुल का, ताकि ये बच्चे जो नाव से इस पार से उस पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डालकर जाने को मजबूर हैं। इनका कहना है कि कभी भी ये नाव हादसा हो सकता है, जब बाढ़ आता है तो ये घर स्कूल नहीं जा पाते हैं, डर लगता है, घर वाले भी डरे रहते हैं। कल नाव के हादसे के बाद इनके परिजन भी डरे हुए हैं, न जाने नाव पर कब हादसा हो जाए, कब बच्चे इसके शिकार हो जाए। ऐसे में जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चे जो इस पार जो सिकटा प्रखंड से मझौलिया में आते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए नाव की व्यवस्था की जाए, और या चचरिप की पुल बनाया जाए या पुल का निर्माण करवाया जाए। जितेंद्र कुमार गुप्ता, ईटीवी भारत, बेतिया।